उत्तराखंड में परीक्षा भर्ती घोटाले को लेकर लोहाघाट में छात्रों ने लगाया ऐतिहासिक जाम। शुक्रवार को 6 घंटे बंद रहा टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे, सैकड़ों यात्री फंसे जाम में और प्रशासन बना मूक दर्शक। आपको बता दें, उत्तराखंड में परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग, नकल विरोधी कानून लाने, पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबी पवार की रिहाई और देहरादून में छात्रों के ऊपर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित छात्र लोहाघाट के स्टेशन बाजार में नेशनल हाईवे पर बैठ गए, जिस कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आपको बता दें, शुक्रवार को बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हिमांशु ओली, महासचिव मनीष सिंह मेहरा और उपाध्यक्ष कमल सिंह ढेक के संयुक्त नेतृत्व में युवाओं ने पहले तो रामलीला मैदान में सभा की, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, व्यापार संघ के कई नेता भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी बातें रखी। बाद में ये आक्रोशित युवा नारेबाजी करते हुए लोहाघाट के स्टेशन बाजार आ गए और वीर कालू सिंह महाराज चौराहे के बीच पर एनएच पे धरने पे बैठ गए, जिस कारण एनएच बंद हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। इस दौरान नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। मौके पर एसडीएम अनिल चामयाल, सीओ विवेक सिंह कुटियाल, एसओ मनीष खत्री आदि ने युवाओं को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन युवा नहीं माने। छात्र डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार जारी रखी। तभी छात्रों के धरने में लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने छात्रों की मांगों को उचित बताते हुए अपना समर्थन भी दिया, लेकिन उन्होंने छात्रों से एनएच को खोलने की भी अपील की, लेकिन उनकी बात छात्रों ने नहीं मानी। इसके बाद विधायक खुशाल अधिकारी वापस लौट गए। वहीं छात्र डीएम और एसपी को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जब छात्र नहीं माने तो शाम 5:30 बजे डीएम और एसपी धरना स्थल पर पहुंचे। छात्रों ने अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी को सौंपा और अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने की मांग की। डीएम के आश्वासन के बाद शाम 6 बजे जाकर छात्रों ने नेशनल हाईवे से जाम खोला, तब जाकर प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन छात्रों के नेशनल हाईवे जाम करने से सैकड़ों यात्री घंटों हाईवे पर फंसे रहे, जिसमें स्कूल की बसें, बारात की बसें, ट्रक, रोडवेज की बसें फंसी हुई थी। जाम के दौरान छात्रों ने आर्मी के वाहनों और एम्बुलेंस को तो रास्ता दिया, लेकिन बाकी गाड़ियां वहीं खड़ी रहीं। छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, व्यापार संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान एनएच इतने लंबे समय तक बंद हुआ था, इसके बाद पिथौरागढ़ टनकपुर एनएच इतने लंबे समय तक कभी बंद नहीं रहा। पुलिस और प्रशासन छात्रों के आगे बेबस नजर आ रहा था और छात्रों से बार बार जाम खोलने की अपील कर रहा था। पुलिस प्रशासन दिन भर छात्रों को मनाता रहा, पर छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो बाजार बंद से लेकर अमरण अरसन तक करते रहेंगे। आपको बता दें, छात्रों के इस आंदोलन को जनता का भी काफी समर्थन मिल रहा है। देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने यहाँ पर काफी समझदारी से काम लेते हुए संयम दिखाया। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर जो गरीब बेटी अपना हक मांगने के लिए कल देहरादून में जमा हुई थी, तो उन पर लाठीचार्ज करा लिया, इतनी बर्बरता दिखाई गई, इतनी असंभवता की गई उनके साथ। ऐसा प्रशासन एक ऐसे पुलिस है जो अपने ही ये बच्चे कौन है यहाँ पर आए, किसी नेता के भतीजे, किसी नेता के बेटे, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये बहुत आम से परिवार के आम से बच्चे जो अपनी मेहनत का फल मांगे, उनकी मेहनत ना बेची जाए और जो प्रशासन है उससे भी हम सहायता की उम्मीद करते हैं, पर प्रशासन जो खुद ही बिका हुआ है वो तो अपने से ऊपर वालों को बिल्कुल सही गलत सब खोल चुके हैं। कानून के आगे जा करके एक्सपेक्ट करते हैं के लिए तो सरकार जो है जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, वही काम है। इन्होंने जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार को जो है गिरफ्तार कर रखा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि उत्तराखंड में युवाओं की आवाज जो है राज्य स्तर पर वही उठाते हैं। अब जो है उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट से अलग जगह की मैं एक आह्वान भी करना चाहूंगा उत्तराखंड के जो हमारे 13 जिले हैं वहाँ के युवाओं से कि भाई देखो ये
घर में पढ़ के कुछ नहीं होता है, तुम 80 नंबर लाओगे वो 85 में सिलेक्शन पा जाएंगे 20-25 लाख रुपए देके। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने हक हकूक के लिए लड़ने के लिए हमारी तरह सड़कों पे उतरो और इस सरकार के कान में जो है ये चूंट तक नहीं रेंग रही अभी तक। इवन इतने बड़े पेपर घोटाले हुए यूके पीएससी के अध्यक्ष ने एक स्टेटमेंट प्रेस में नहीं दिया। वो चोर जो एस राजू था, पता नहीं कौन से कैडर का आईएएस था साउथ इंडिया का, वो रिटायर होकर चला गया, उसकी देहरादून में करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, एसडीएम जांच कर रही है तो वहां जांच करे। धन्यवाद। उनकी 6 डिमांड्स है, उसमें जो कानून है वो लाया जा चुका है गवर्नर साहब के, उसमें साइन होने, उसके बाद वो कानून बन जाएगा और बाकी जो इनके कंसर्न्स हैं हम शासन को रख देंगे। जो इनको पीड़ा है हम उसमें सहभागिता रखते हैं, परंतु कोई भी एनएच को बंद नहीं किया जा सकता है, पूरी लाइफ लाइन है यहाँ पे, सारी बसें हैं, बच्चे हैं, टैक्सी हैं और बहुत सारे यहाँ पे वाहन हैं जो जाने हैं। तो यहाँ पे इनसे वार्ता की गई और इनको आश्वासन दिया गया, इनकी डिमांड्स हम सरकार तक भेजेंगे और ये खुलवा दिया गया। लेकिन इसमें बाकी जगह से बच्चे मान गए थे और यहाँ पे क्योंकि कोई भी ऐसा अगर मूवमेंट होता है तो उसमें संयम रखना, पीसफुली उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। और अगर जैसे पुलिस द्वारा भी इनको समझाया गया बहुत तरह से एसडीएम साहब द्वारा, फिर हमने भी बात करने की कोशिश की, तहसील बुलाने की कोशिश की या कैंप में बुलाने की कोशिश की, ऑफिस बुलाने की कोशिश की, परंतु जब इनके द्वारा नहीं माना गया तो हमने इनसे विचार विमर्श किया और ये मान चुके। सर बंद होने से कानून सख्त है इस बारे में और भविष्य में हम जरूर कार्रवाई करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह, बिस्ट की रिपोर्ट।